जी व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि चेंज ओवर हम किस तरह लगाएंगे। ये वो चेंज ओवर है जो हम दो लाइन या जनरेटर और वापडा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका तरीका आज हम सिंपली आपको समझाएंगे कि ये हम कैसे लगाएंगे, किस तरह लगाएंगे। इसमें सबसे पहले जो है ना, इसमें दो किस्म के नंबर्स इसके ऊपर लिखे होते हैं, एक इवन नंबर और दूसरा ऑड नंबर। इवन नंबर जो है ना, ये हमारे पास जो है ना, ये ऑड और इवन नंबर इस में लिखे होते हैं। इवन नंबर जो है ना, ये हमारे पास आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो ये ऑड नंबर होते हैं, मतलब 5, 1, 7, 3, ये हमारे पास जो है ना, ये इनपुट के लिए है। ये एक इनपुट है हमारे पास और ये दूसरा इनपुट है। तो ये हम कैसे लगाएंगे, किस तरह लगाएंगे, आज आप लोग इस वीडियो से ये सीखेंगे। तरीका कुछ इस तरह है। ये एक लाइन के लिए हो गया, तो ये हम इसमें लगाएंगे। ये न्यूट्रल हो गया, ये हमारे पास दूसरा लाइन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, अब ये हमारा आउटपुट हो गया। इस तरफ से हम ले या इस तरफ से हम ले, एक ही बात है। अब ये हम चेक करेंगे, ये एक लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन हो गया। अभी चेंज ओवर हमारा जो है ना, ये ज़ीरो पे है। अभी ये हो गया, अभी ये हो गया वन पे, अभी ये दूसरा हो गया। ये ज़ीरो पे, वन पे और ये टू पे। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। जो भी मसला हो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये चेंज ओवर का तरीका आसान सा तरीका है, कोई भी मुश्किल इसमें नहीं है। जो भी मसला हो आप कमेंट में रिप्लाई दे सकते हैं।